Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you schools of Indian philosophy. This topic comes under the main heading of your philosophical foundations of education, mainly Indian, in which I am going to discuss schools of Indian philosophy. And this particular topic is very important for your conceptual understanding about philosophy, as well as for your general and practical and competitive examinations. So let's start Indian philosophy. एक पुराना वीडियो मेरा भारतीय दर्शन पर है, आप वहां से सुन सकते हैं. भारतीय दर्शन की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं, वहां से जान लीजिए. फिर भी आप ये जानते ही हैं, जब जब आपने फिलोसफी को पढ़ा है, एजुकेशनल फिलोसफी को, कि फिलोसफी जो होती है लव फॉर विजडम या लव ऑफ नॉलेज होता है ना. वैसे विजडम ज्यादा एप्रोप्रिएट शब्द है, क्योंकि विजडम नॉलेज से ऊपर उसका हायरार्की है. तो अगर उसको वाइडेस्ट एटाइमोलॉजिकल सेंस, वाइडेस्ट है इसलिए नॉलेज चल जाएगा, वाइडेस्ट यानी कि सबसे ब्रॉड टर्म में अगर आप देखें कि दर्शन क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति स्नेह हो सकता है, विवेक के प्रति स्नेह हो सकता है. इट ट्राइज टू सर्च फॉर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, द वर्ल्ड एंड गॉड. तो फिलोसफी का मूलतः संबंध किससे है, कि वो खोज करती है. किसकी खोज करती है? स्वयं की, कि मनुष्य क्या है, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, वो इस संसार में क्यों आया. द वर्ल्ड, इस संसार की उत्पत्ति क्या हुई, संसार का क्या होगा, क्या संसार सतत है या कभी नष्ट हो जाएगा, इस तरीके के सवाल. और गॉड, क्या ईश्वर को पाया जा सकता है, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर ने संसार की रचना की है, इस तरीके के फिलोसॉफिकल प्रश्नों का उत्तर दर्शन देने का प्रयास करता है. एज फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, इट इज टर्म्ड इन इंडियन लिटरेचर द विजन एवरी इंडियन स्कूल होल्ड्स इन इट्स ओन वे दैट देयर कैन बी अ डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ. वो कह रहे हैं कि चूंकि जो दर्शन है उसका उद्देश्य ज्ञान की खोज है, सत्य का पता लगाना है, तो जितने भी भारतीय संप्रदाय दर्शन के हैं, जितनी भी भारतीय विचारधाराएं दर्शन की हैं, वो किसी ना किसी तरीके से ट्रूथ का रियलाइजेशन पता लगाना चाहते हैं. मतलब सत्य का रियलाइजेशन, यथार्थीकरण, सत्य के बारे में पता लगाना, तत्व दर्शन जिसको कहते हैं, वो इनका मूल उद्देश्य है. A man of realization becomes free, one who lacks it is entangled in the world. कहते हैं ना कि मतलब कि मुख्य उद्देश्य मनुष्य योनि का ये होना चाहिए कि आप इस भाव सागर से पार हो जाएं, दोबारा आपको रीबर्थ, जो पुनर्जन्म लेकर यहाँ ना आना पड़े. क्यों? क्योंकि संसार क्या है? दुखों का कारण. जब तक आप यहाँ रहेंगे, मोह माया से ग्रसित रहेंगे. इसीलिए जो बड़े विचारक हैं वो ये कह गए हैं कि हमको यहाँ से निकल जाना है. अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं और हमको उसी में विलीन हो जाना है, तो हम फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे. लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम इसी संसार में फंसे रहेंगे. ओके, अब आते हैं स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. आपके कोर्स में भी है और सवाल भी पूछे जाते हैं, और बेसिक आप समझ लीजिए तो सारी फिलोसफीज आपको इंडियन समझ में आ जाएंगी. तो अगर भारतीय दर्शन की विचारधाराओं को देखा जाए, तो मुख्य रूप से उनको दो भागों में विभक्त किया जाता है, ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक एवं हेट्रोडॉक्स मतलब नास्तिक. मोटा मोटा ये समझ में आता है कि ऑर्थोडॉक्स का मतलब आस्तिक, मतलब जिसका ईश्वर में विश्वास हो, और हेट्रोडॉक्स नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना करता हो. तो ये कह रहे हैं टू द फर्स्ट ग्रुप बिलोंग इज सिक्स चीफ फिलोसॉफिकल सिस्टम्स. ये जो आस्तिक वाला समूह है, उसमें छह मुख्य दार्शनिक निकाय आते हैं, जिनके नाम है, देखिए आपको नाम याद होना चाहिए, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, है ना. ये नाम आप याद कर लीजिए, याद ही करना होगा आपको, उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, कि मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये ऑर्थोडॉक्स में आएंगे. दीज आर रिगार्डेड एज ऑर्थोडॉक्स नॉट बिकॉज दे बिलीव इन गॉड. अच्छा, यहाँ जी बड़ा होना चाहिए था गॉड का. वो कह रहे हैं कि मतलब ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास है नहीं है, है ही, लेकिन एक और इसका कारण है कि इनको ऑर्थोडॉक्स में रखा गया है, बिकॉज दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेद, वेदाज इंग्लिश में. तो जो वेदों की सत्ता को जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने माना कि हाँ वेद हैं, सही हैं, ईश्वरीय वाणी है वेद, उन सबको तो ऑर्थोडॉक्स में रखा गया. ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखे या वेद में विश्वास रखे, पर ये कई ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं पर वेद में नहीं रखते हैं, इसलिए ये कहा गया है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने के हिसाब से ये नामांकन, ये विभेदीकरण नहीं है, अपितु वेदों की सत्ता में जो विश्वास रखते थे उनको आस्तिक कहा गया. एंड द मीमांसा एंड इसी को क्लियर ये कह रहे हैं, दी मीमांसा एंड सांख डू नॉट बिलीव इन गॉड. वो कह रहे हैं मीमांसा और सांख जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है कि ईश्वर ने संसार को बनाया है, येट दे आर कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स. फिर भी इनको आस्तिक कहा गया. क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन द अथॉरिटेटिवनेस ऑफ द वेद,
क्योंकि ये वेदों की अथॉरिटी में इन्होंने विश्वास किया है, इसलिए। तो इसका मेजर क्लासिफिकेशन का जो जो बेसिस है वो ये है कि कौन वेदों की सत्ता में विश्वास रखता है वो सब आस्तिक हुए, और जो नहीं रखते हैं वो नास्तिक हो गए। अंडर द अदर क्लास ऑफ हेटरोडॉक्स सिस्टम्स अचीव थ्री, जो हेटरोडॉक्स है उसमें तीन आते हैं, इसमें छह आते हैं, यानी कि टोटल नौ पढ़ने हैं आपको। दे आर कॉल्ड हेटरोडॉक्स बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इनको ऑर्थोडॉक्स हेटरोडॉक्स इसलिए कहा गया क्योंकि वे वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। दी वेद, वेद क्या है, आर द अर्लीस्ट अवेलेबल रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। भारतीय दर्शन के ये सबसे पुराने हमको उपलब्ध रिकॉर्ड जो मिलते हैं उन्हीं को वेद है, वो वेद हैं। इन सबसिक्वेंट इंडियन थॉट स्पेशली फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द वेद्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिवली। और उसके बाद के जितने भी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन हुए भारतीय दर्शन के, वो सब उन पे वेदों का प्रभाव है, या तो वो वेदों से प्रभावित थे और उन्होंने उनको माना या नहीं माना। तो उसी के सबसीक्वेंट इंडियन, उसके बाद के जितने भी भारतीय विचारधाराएं हैं सब वेदों पर निर्भर हैं किसी ना किसी रूप में। अब द मीमांसा एंड द वेदांत मे बी रिगार्डेड एज द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द वैदिक कल्चर। वो कह रहे हैं कि मीमांसा और वेदांत को आप वैदिक कल्चर का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन मान सकते हैं, मतलब वही चलता चला गया, आगे जाके मीमांसा और वेदांत बन गया है। और वेद क्या है, द वैदिक ट्रेडिशन इज टू साइड्स। वो कह रहे हैं जो कि वैदिक परंपरा है उसको आप दो उसके हिस्से बना सकते हैं, रिचुअलिस्टिक एंड स्पेक्युलेटिव। रिचुअलिस्टिक क्या है, जिसमें कर्म कांड की बात की गई है, और स्पेक्युलेटिव क्या है, जिसमें ज्ञान की बात की गई है। तो मीमांसा जो है वो रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट को महत्व देती है। द मीमांसा एम्फेसाइज द रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट एंड इवॉल्व फिलोसफी टू जस्टिफाई एंड हेल्प द कंटिन्यूएशन ऑफ द वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स। और इसका मेन लेना देना किससे है, ये इस दर्शन के रूप में उद्भव इसका हुआ है कि ये जस्टिफाई कर सके, ये सही बताती है कि जो वैदिक कर्म कांड और रिचुअल है उनका कंटिन्यूएशन को जस्टिफाई करती है, ये मीमांसा का काम है। और वेदांत का क्या है, द वेदांत एम्फेसाइज द स्पेक्युलेटिव आस्पेक्ट ऑफ द वेद, यानी कि ये इसके ज्ञान के पक्ष को ज्यादा महत्व देता है एंड डेवलप्ड एंड इलेबोरेट फिलोसफी आउट ऑफ वैदिक स्पेकुलेशंस। और वैदिक विचारधारा से ये इस फिलोसफी का उद्भव हुआ है जिसको वेदांत कहा गया। बोथ दी स्कूल्स वर डायरेक्ट कंटिन्यूएशंस ऑफ द वैदिक कल्चर। तो ये दोनों ही शाखाएं हैं वो वैदिक कल्चर की ही श्रेणी में आगे निकल जाती हैं। बोथ आर समटाइम्स कॉल्ड बाय द कॉमन नेम, इसीलिए कभी कभी दोनों को एक ही नाम से बुला लेते हैं, क्या, मीमांसा। लेकिन आपको अलग अलग करना पड़ेगा, तो पहले वाले को अलग करने के लिए आपने मीमांसा को कह दिया पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा, और वेदांत को कह दिया उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में उत्तर को बाद में कहते हैं, यानी कि पश्च कहने के लिए उत्तर कह दिया जाता है। जैसे रामायण पहले आती थी फिर उत्तर रामायण आने लगी थी, तो उत्तर का मतलब हमेशा आंसर नहीं होता है, ठीक है। उत्तर का मतलब यहाँ पश्च से है, बाद में। तो पहली जो मीमांसा है जो कर्म मीमांसा, वो पूर्व मीमांसा, जो बाद वाली है उसको उत्तर मीमांसा कह दिया गया या ज्ञान मीमांसा। तो हेटरोडॉक्स में कौन कौन से आ जाएंगे, चार्वाक, बुद्ध और जैन, यानी कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये हेटरोडॉक्स में आए। क्यों, क्योंकि ये वैदिक कल्चर के ऑपोजिशन में इनका उद्भव हुआ, इन्होंने वैदिक कल्चर के विरोध में ये उत्पन्न हुए एंड देयरफॉर दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेद, इसलिए वेदों की सत्ता को रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, उसमें विश्वास नहीं रखते। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए और एक एक को एकदम शॉर्ट में देख लीजिए क्योंकि आपको मेनली यही पढ़ना है। देखिए, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन्होंने बांटा दो हिस्सों में, स्कूल्स रिजेक्टिंग वैदिक अथॉरिटी, जो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे हेटरोडॉक्स या नास्तिक कहा गया, जिसमें आए चार्वाक, बौद्ध और जैन। फिर स्कूल्स नॉट रिजेक्टिंग वैदिक अथॉरिटी या स्कूल्स दैट एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी, उसको कहा गया ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक। अब आस्तिक में फिर दो भागों में बांट दीजिए, स्कूल्स डायरेक्टली बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट, जो डायरेक्टली वैदिक टेक्स्ट पे बेस्ड है वो कौन से हो गए, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब इसमें क्या है, स्कूल एम्फेसाइजिंग द रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ द वेद, हमने बात कर ली आपसे कि जो कर्म कांड पे आधारित है वो मीमांसा हो गई, और जो स्पेक्युलेटिव आस्पेक्ट पे आधारित है वो वेदांत हो गया। और स्कूल्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ग्राउंड, ये दोनों ही, मतलब ये जो चारों हैं, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये वेदों की सत्ता में तो विश्वास रखते हैं लेकिन ये डायरेक्टली, मतलब वेद का कंटिन्यूएशन नहीं है बल्कि अपना इंडिपेंडेंट ग्राउंड है, इनका स्वतंत्र, इन्होंने अपना जमीन पे ये फिलोसफीज उत्पन्न हुई हैं। तो इनके नाम है सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, तब आप लिख पाएंगे, नहीं इधर का उधर हो जाएगा। अब सब देख लीजिए, चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये आपके हेटरोडॉक्स हैं और बाकी आपके जो छह हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं। तो चार्वाक सिस्टम क्या है इन इंडिया, चार्वाक आपके कोर्स में नहीं है लेकिन जानिए, इन इंडियन फिलोसफी द वर्ड चार्वाक मीन्स अ मटेरियलिस्ट, ये जो मटेरियलिस्टिक, मतलब जो सांसारिक चीजों से इन्होंने स्नेह बताया, आसक्ति बताई, वो सब चार्वाक हैं। द चार्वाक्स होल्ड दैट परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अनुभूति से आपको ज्ञान का, मतलब वैलिड सोर्स, जो वैध स्रोत है ज्ञान का, वो परसेप्शन है। दे पॉइंट आउट दैट ऑल नॉन परसेप्चुअल और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज लाइक इन्फरेंस, द टेस्टिमोनी ऑफ अदर पर्सन्स,
आर अनरिलायबल एंड ऑफन प्रूव मिसलीडिंग। और इन्होंने कहा और जो जितने ज्ञान के स्रोत हैं, जैसे कि आप अनुमान लगाते हैं, आपको कोई सत्ता बता देती है कि ये सही है, वो सब अविश्वसनीय हैं और आपको मिसलीड करते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ये ऐसा चारवाक ने कहा, जरूरी नहीं है आपको ये सही लगे। फिर जैन सिस्टम, जैन और बौद्ध आपने डिटेल में पढ़ लिया है, फिर भी एक क्विक रिव्यू। जैन्स कहते हैं डू नॉट बिलीव इन गॉड, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। किस में विश्वास करते हैं? तीर्थंकर को ही ये ईश्वर मानते हैं। तीर्थंकर्स टू हूम ऑल द गॉडली पावर्स लाइक ओमनीसियंस एंड ओमनीपोटेंस बिलोंग। वो कह रहे हैं जो तीर्थंकर हैं वो सर्वव्यापी हैं, सर्वव्याप्त हैं, है ना, जो ओमनीसाइंस और ओमनीपोटेंस, जो अजर अमर है, जो आपका ये ईश्वर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वही इन्होंने माना है तीर्थंकर को। दे आर एडोर्ड हिज आइडियल्स ऑफ लाइफ, और जीवन का आदर्श इन्होंने तीर्थंकर को माना है। द जैन फिलोसोफर्स पॉइंट आउट दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनफिनाइट एस्पेक्ट्स जज्ड बाय व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये इनकी खास बात है जो सियादवाद मैंने आपको बताया था पहले भी जैन फिलोसफी में, कि ये विश्वास करते हैं, ये चिन्हित करते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है उसके अनगिनत आस्पेक्ट या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। तो किस एंगल से आप देख रहे हैं, या आपको हर दूसरे के एंगल को देखने के लिए अपना व्यू पॉइंट खुला रखना चाहिए। वी शुड रिमेंबर देयरफॉर द लिमिटेड नेचर ऑफ अवर नॉलेज एंड जजमेंट एंड शुड रिफ्रेन फ्रॉम थिंकिंग दैट एनी व्यू इज द होल ट्रूथ अबाउट एनीथिंग। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास चूंकि ज्ञान कम है, इसलिए निर्णय देते समय हम ये मान के चलें कि जो हमारा व्यू पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि उस घटना का पूरा सत्य हो। तो इस तरीके से ये प्लूरलिज्म पे विश्वास रखते हैं। दूसरे के आस्पेक्ट मैंने आपको बताया है पहले भी, आप देख लीजिए। बौद्ध सिस्टम क्या है? द बौद्ध सिस्टम ऑफ फिलोसफी अरोज आउट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। हम सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध इसके प्रोपाउंडर हुए, द वेल नोन फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध हैज गॉट द एनलाइटनमेंट, सबको पता है कि बौद्ध गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा द रिजल्ट ऑफ व्हिच वाज सेट फोर्थ बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट हैज कम टू बी नोन एज द फोर नोबल ट्रुथ्स। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने चार नोबल ट्रुथ की बात की। कौन-कौन से चार ट्रुथ हैं? दैट देयर इज मिजरी, संसार में दुख है, द ट्रूथ दैट देयर इज अ कॉज ऑफ मिजरी और उस दुख का कारण है, द ट्रूथ दैट देयर इज द सीसेशन ऑफ मिजरी और ये भी है कि उस दुख का अंत किया जा सकता है, एंड द ट्रूथ दैट देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ मिजरी मिजरी और उस दुख का अंत करने का एक मार्ग भी है जिसको बाद में इन्होंने मध्यम मार्ग कहा। मैं थोड़ा सा क्विक हूँ क्योंकि जैन बौद्ध मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत सारे और भी कवर करने हैं। दी फोर ट्रूथ्स अबाउट दी पाथ दैट लीड्स टू द सीजेशन ऑफ मिजरी कंसर्न द कंट्रोल ऑफ द कंडीशंस दैट कॉज मिजरी। तो उन्होंने कहा जो दुख जो उत्पन्न करता है उस कारणों को आप रोक सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने अष्टाध्यायी मतलब एट फोल्ड नोबल पाथ की बात की कि ये आप आठ तरीके अपनाएं तो आप दुख का अंत हो सकता है। कौन कौन सी बातें इन्होंने की? एट स्टेप्स, नेमली राइट व्यूज, सही दृष्टिकोण रखिए, राइट डिटर्मिनेशन, सही निश्चय करिए, राइट स्पीच, अपनी वाणी सही रखिए, राइट कंडक्ट, सही व्यवहार कीजिए, राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से आजीविका चलाइए, राइट एंडेवर या राइट एफर्ट, सही प्रयास कीजिए, सही अपना दिमाग में बातें रखिए, और राइट कंसंट्रेशन, और मतलब कंसंट्रेशन राइट तरीके से कीजिए। ये आठ आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, और ये पिछले वीडियो में आप बौद्ध सिस्टम को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये हो गया, अब आया आपका यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे वो डाल सकती थी ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी ना, ये सारे यहाँ से न्याय चल, न्याय आपका योग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये छह ऑर्थोडॉक्स वाले हैं। तो न्याय सिस्टम क्या है? न्याय सिस्टम इज द वर्क ऑफ द ग्रेट सेज गौतम, गौतम ऋषि का ये काम है, उनका ये दर्शन है। इट इज अ रियलिस्टिक फिलोसफी बेस्ड मेनली ऑन लॉजिकल ग्राउंड, ये जो दर्शन है वो लॉजिकल ग्राउंड पे बेस्ड है। इट एडमिट्स फोर सेपरेट सोर्सेज ऑफ ट्रू नॉलेज, ये कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति आप चार स्वतंत्र स्रोतों से कर सकते हैं। कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख के, इन्फरेंस मतलब अनुमान लगा के, कंपैरिजन मतलब उपमान या तुलना करके, और टेस्टिमोनी जब आपको कोई कहे, कोई आपको अथॉरिटेटिव पर्सन कहे कि ये सही है, इस तरह से। तो आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये न्याय हो गया। वैशेषिक क्या है? वैशेषिक आपको ये याद करना पड़ेगा कौन किस ऋषि ने कहा, जैसे वैशेषिक कणाद ऋषि का है, उन्होंने बनाया है। न्याय आपका किसका था? गौतम ऋषि का था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज अलाइड टू द न्याय सिस्टम एंड हैज द सेम एंड इन व्यू, यानी कि वैशेषिक न्याय से मिलता जुलता है। ये भी कह रहे हैं कि नेमली द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ, ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति की जो है वो मुक्ति हो जाए, उसको उसका मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इट ब्रिंग्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज दैट इज द होल वर्ल्ड अराउंड दी सेवन कैटेगरीज, इन्होंने कहा कि संसार में जितना ज्ञान है आप उसको सात कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सब्सटेंस या द्रव्य, क्वालिटी या गुण, एक्शन या कर्म, जनरैलिटी या सामान्य, पर्टिकुलरिटी या विशेष, द रिलेशन ऑफ इनहेरेंस यानी कि समावय, और नॉन एग्जिस्टेंस मतलब अभाव।
तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, और आपके कोर्स में तो डिटेल में आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर सांख्य सिस्टम क्या है? दिस सांख्य इज अ फिलोसफी ऑफ डुअलिस्टिक रियलिज्म, यानी कि इन्होंने कहा यथार्थवाद को तो अपनाया है पर दो चीजों को माना है डुअलिस्टिक। कौन कौन सी दो चीजें हैं इनके पास? अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट टू द सेज काल, काल ऋषि का है ये सांख्य, ये कल्प है शायद। अच्छा मैं अभी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल क्लियर कर दूंगी कि ये ऋषि क्या है, कभी कभी ना टाइपिंग एरर हो जाती है, मैं क्लियर करके आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। इट एडमिट्स टू अल्टीमेट रियलिटीज नेमली पुरुष एंड प्रकृति, दो इन्होंने अल्टीमेट सत्यों की बात की है, एक पुरुष है और प्रकृति है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पुरुष क्या है? द पुरुष इज एन इंटेलिजेंट प्रिंसिपल ऑफ विच कॉन्शियसनेस इज नॉट एन एट्रीब्यूट बट द वेरी एसेंस, यानी कि पुरुष एक कॉन्शियसनेस है, जबकि प्रकृति क्या है? अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब पुरुष जो है वो चेतना है और प्रकृति क्या है? इस संसार का कारण है। इट इज एन इटर्नल अनकॉन्शियस प्रिंसिपल, तो ऐसे याद कर लीजिए कि पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है और प्रकृति जो है अनकॉन्शियसनेस है, और अनकॉन्शियसनेस है इसलिए हमेशा बदलती रहती है, और पुरुष जो कि कॉन्शियसनेस है इसलिए चेतन रहेगा, हमेशा शाश्वत रहेगा। फिर योग, योग आपको पता ही होगा कि पतंजलि ऋषि ने दिया है, योग इज क्लोजली अलाइड टू द सांख्य, ये भी सांख्य से मिलता जुलता है, ये सांख्य को स्वीकार करता है और कहता है कि 8 चरणों से आप योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन कौन सी? ये देखिए आपको कई जगह और भी आपने सुना होगा, आजकल तो योग इतना पॉपुलर है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण और समाधि, ये एंड होना चाहिए था, तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। यम यानी रिस्ट्रेंट, अपने आप को रोकिए, नियम यानी कि इथिकल कल्चर अपनाइए, आसन यानी सही पोस्चर अपनाइए, प्राणायाम यानी बर्थ कंट्रोल ब्रेथ कंट्रोल एवरीबडी नोज, प्रत्याहार मतलब हमको कुछ विदड्रॉल ऑफ द सेंसेस मतलब त्यागना पड़ेगा, ये हम ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, धारण या अटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए, ध्यान या मेडिटेशन कीजिए, और समाधि यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक, फिर बचे आपके मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत में क्या कहा था हमने कि ये वैदिक कल्चर का ही कंटिन्यूएशन है। ये किस ऋषि का है? ये जैमिनी ऋषि ने बनाया शुरू किया इसको। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू डिफेंड एंड जस्टिफाई वैदिक रिचुअलिज्म, और इसका मेन काम ही यही है कि जो वैदिक कर्मकांड है उसको ये डिफेंड करता है और उसको जस्टिफाई करता है ये कि ये सही है। ठीक है, तो फिर ये हो गया। और वेदांत, वेदांत क्या है? दिस सिस्टम अराइजेस आउट ऑफ द उपनिषद व्हिच मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक स्पेकुलेशन एंड इज फिटिंगली कॉल्ड द वेदांत और द एंड ऑफ द वेदास ऑफ द ऑल सिस्टम्स। मतलब वेदांत का मतलब क्या है कि वेदों का अंत ना, तो जहां से वेद का अंत होता है वहां से इनका आरंभ होता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। इसलिए और कई ऋषियों ने इसके बारे में बात की, लेकिन शंकराचार्य का वेदांत जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। और इन्होंने कहा कि इन द उपनिषद्स दिस यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस इज फाउंड डेवलप्ड इनटू द इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ वन रियलिटी और द कंसेप्शन ऑफ वन सोल और वन ब्रह्म। चाहे आप कहिए एक आत्मा कहिए या एक ब्रह्म कहिए, इन्होंने कहा एक ही वही सतत ईश्वर है। द वर्ल्ड इज सेट टू ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रियलिटी, और वो कह रहे हैं संसार की उत्पत्ति वहीं से हुई है, संसार उसी में विश्राम करता है और उसी में जाकर मिल जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, द सोल और गॉड इज इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, और वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है या जो ईश्वर है वही असीमित चेतना का स्वरूप है और वही असीमित आनंद का भंडार है। ठीक है, तो वेरी क्विकली मैंने इसको आपको आपसे डील करने की कोशिश की, अब ये खत्म है। तो मतलब स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी दो भागों में बांटा जाएगा, ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं, हेटरोडॉक्स वो जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। तो जो नहीं रखते हैं विश्वास, वहां से आपके निकलते हैं 3-4 भाग बौद्ध और जैन। जो विश्वास रखते हैं वो हैं 6, उसमें से भी 2 जो हैं वो वैदिक कल्चर को ही कंटिन्यूएशन में ले जा रहे हैं, जैसे मीमांसा या वेदांत। मीमांसा उसके रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट की बात करता है, उसको पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। और जो वेदांत है उसके स्पेक्युलेटिव या ज्ञान की बात करता है, और उसको उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है वेदांत को। और बच्चे आपके फिर कौन से? न्याय, योग, वैशेषिक, सांख्य। तो आप उनको पढ़ लीजिए, न्याय क्या है, वैशेषिक क्या है, सांख्य ने पुरुष प्रकृति की बात की है, योग ने किसकी बात की है, उसने 8 स्टेप बताए हैं कि आप ये योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्याय की बात क्या है और सांख्य की बात क्या है, वैशेषिक की बात क्या है। ठीक है, तो इतना है, याद तो करना ही पड़ेगा, याद किए बिना तो नहीं होगा, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि लिख सकें, समझ सकें, पूछे जाए प्रश्न तो उत्तर दे सकें। ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। I have done from my side.